भागलपुर कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर भागे बम विस्फोटक आरोपी मोहम्मद तनवी वल्द मोहम्मद मंजूर को तहसील पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी भानखेड़ा क्षेत्र में छिपा हुआ था। आरोपी मोहम्मद तनवीर पर भागलपुर के कोर्ट में बम विस्फोट करने का मामला विचाराधीन है। उसे 17 मई 2022 को पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए ले गई थी। इस दौरान चकमा देकर वह फरार हो गया था। मोहम्मद तनवीर फरार होने के बाद पहले कोलकाता गया और फिर वहां से नागपुर में आकर भानखेड़ा में शबीना खान के मकान में रहने लगा था। तहसील थाने के एएसआई प्रमोद शनिवार को गुप्त सूचना मिलने पर उन्होंने भानखेड़ा में दबिश देकर पहले आरोपी को दबोचा, पश्चात उसके कमरे की तलाशी में तकिए के नीचे छिपा कर रखे एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस जब्त किए। आरोपी को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस स्टेशन तहसील मोमिनपुरा भागात माझे पुलिस स्टेशन से डीबी पृथक पीएसआई बवाळ एसआई शनिवार शंभू किरार यशवंत डोंगरे पंकज बागडे आणि पंकज निकम यांच्या पथकाला गोपनीय बातमीदारांमार्फत माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी छापा कारवाई केली आणि छापा कारवाईमध्ये आम्हाला एक देशी कट्टा आणि दोन कारतूस जिवंत कारतूस मिळाले। आरोपी जेव्हा ताब्यात घेतला आम्ही पोलीस स्टेशन तहसील अपराध क्रमांक 344/22 R-MAC 325 सह 135 गुन्हा दाखल आहे पोलीस स्टेशन तहसील येथे। आरोपी ताब्यात घेतल्यावर त्याची माहिती काढली तर तो आरोपीचं नाव आहे मोहम्मद तनवीर वल्द मोहम्मद मंजूर, वय 32 वर्ष, राहणार असानंदपूर भागलपूर जिल्हा भागलपूर आणि थाना कतारपुरा थाना येतो, तर इथला हा राहणारा मूळ आरोपी आहे। हा 4 दिवसापूर्वी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत आलेला आहे आणि थाना ततारपूर येथील दाखल अपराध क्रमांक 387/22 17/5/22 रोजी दाखल आहे, 17 मेला दाखल आहे। या गुन्ह्यामध्ये हा फरार आरोपी आहे। या आरोपीवर यापूर्वी गुन्हे आहेत 2013 आणि त्यानंतर 2017 त्याच्याकडे एक्सप्लोजिव्ह ॲक्टनुसार एक गुन्हा थाना ततारपूर PS कोतवाली येथे दाखल आहे आणि याच गुन्ह्यामध्ये याची कोर्ट पेशी चालू असताना बिहार सेशन कोर्टामध्ये ततारपूर सेशन कोर्टामध्ये तिलक मांझी थाण्याच्या अंडर सेशन कोर्ट येतं, कोर्ट पेशीला आला असताना हा बेड्या काढून पोलिसांचा नजर चुकवून हा पळून आला होता, त्यामुळे तिथं अपराध क्रमांक 387/IPC 224 दाखल आहे। तर हा असा आरोपी आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे आणि त्यावर 325 R-MAC कारवाई केलेली आहे। असानंदपुर भागलपुर थाना तातरपुर बिहार निवासी मोहम्मद तनवीर उर्फ राका से पुलिस पूछताछ कर रही है। मोहम्मद तनवीर भानखेड़ा में एक महिला के साथ रह रहा था। महिला दुकानों में काम करने वाले नौकरों के लिए भोजन पकाने का काम करती है। मोहम्मद तनवीर एक कपड़े की दुकान में ब्लेजर बनाने का काम करता था। मोहम्मद तनवीर के पिता मोहम्मद मंजूर की भागलपुर में हत्या कर दी गई थी। पिता की मौत का बदला लेने के लिए वर्ष 2017 में मोहम्मद तनवीर आरोपी के घर पर देसी बम से हमला कर फरार हो गया था और नागपुर आ गया था। सितंबर 2021 में नागपुर की क्राइम ब्रांच पुलिस को गुप्त जानकारी मिलने पर मोहम्मद तनवीर को पकड़कर उसे भागलपुर पुलिस के हवाले किया गया। तब से वह भागलपुर की जेल में बंद था। तनवीर वर्ष 2017 में सूजागंज बाजार के मस्जिद गली में बम विस्फोट का आरोपी है। वर्ष 2021 में उसने सोशल मीडिया पर वहां के SSP को चैलेंज किया था कि वह आ रहा है, पकड़कर दिखाओ। उस समय SSP निताशा गुड़िया ने उसकी लोकेशन निकाली और नागपुर पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया था। आरोपी पर कोतवाली भागलपुर रेल तातारपुर में 5 केस हैं। पत्रकारों पर गोलाबारी, थानेदार को धमकी, बमबाजी, डकैती जैसे भी केस उस पर दर्ज है। उसने 13 फरवरी 2015 को असानंदपुर में पत्रकारों से मारपीट और लूट की थी। विरोध करने पर गोलीबारी की थी। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए तनवीर ने मुंगेर से हथियार भी खरीदा था। जेल से 2017 में उसने पूर्व पार्षद साबिर को भी सोशल मीडिया पर धमकी दी थी। इसी प्रकार 2016 में तत्कालीन पार्षद इब्रार हुसैन उर्फ बेला को फोन कर रंगदारी में 4 पिस्टल, 100 राउंड गोलियां और बाइक मांगी थी। साथ ही आने वाले समय में पार्षद का चुनाव नहीं लड़ने की भी धमकी दी थी, जिसका केस तारापुर थाने में दर्ज है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। तहसील की थानेदार तृप्ति सोनवणे के नेतृत्व में द्वितीय पुलिस निरीक्षक विनायक गोलहे, उप निरीक्षक परशुराम भवाल, एएसआई प्रमोद शनिवारे, नायब सिपाही शंभू सिंह किरार, सिपाही यशवंत डोंगरे, पंकज बागड़े और पंकज निकम ने कार्रवाई की। नागपुर से बीसीएन न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज की रिपोर्ट।